हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोग लगातार पर्सनालिटी सीरीज़ को लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज़ से आपको जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए जो है वो मिलती रहेंगी। कोर फैक्ट्स इसमें जो है वो छिपे हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, झारखंड की पहचान है, और 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 का जो सिपाही मिटनी हुआ था, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं, उस संघर्ष में, उस लड़ाई में इन्होंने जो है वो अपनी महती भूमिका जो है वो निभाई है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, कई जगह पे ठाकुर विश्वनाथ शाही भी जो है वो इनको कहा जाता है। तो देख सकते हैं झारखंड सरकार भी जो है वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाने वाले ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती पर नमन है। तो इनकी जयंती पर जो है वो झारखंड सरकार भी जो है वो नमन कर रही है, और करना भी चाहिए। बड़कागढ़ के राजकुमार ठाकुर साहब, और इन्होंने जो है वो 1857 की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी से संबंधित चीज़ों को हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 12 अगस्त 1817 क्रांतिकारी महीना, भारत की आज़ादी का महीना अगस्त महीना, इसी महीने जो है वो इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सतरंजी बड़कागढ़ में, बड़कागढ़ सतरंजी में जो इनका जन्म हुआ था। जो ये बड़कागढ़ है, ये जो है वो वर्तमान में आप जो रांची हटिया HEC वगैरह का जो इलाका देख रहे हैं, ये लगभग वही इलाका जो है वो हुआ करता था रांची के अंतर्गत। तो ये जो है वो बड़कागढ़ स्टेट के जो है वो राजा हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम बानेश्वरी कुंवर था। इनके पिता रघुनाथ सहदेव, जो कि बड़कागढ़ के राजा थे, इनके पिता के बाद ही ये जो है वो राजा बनते हैं। इनकी माता का नाम चन्नेश्वरी कुंवर था। इनकी माता का नाम चन्नेश्वरी कुंवर, पत्नी बानेश्वरी कुंवर, माता चन्नेश्वरी कुंवर, तो काफ़ी जो है वो सिमिलर नाम जो है वो देखने को मिलता है। तो इन्होंने सिपाही मिटनी के दौरान 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रही वो बैटल ऑफ चतरा रही, यानी चतरा की लड़ाई जो है वो हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1857 को। कब हुई? 2 अक्टूबर 1857, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन, उसी दिन जो है वो ये चतरा में जो है 1857 को जो है वो इनकी और अंग्रेजी सेना के बीच जो है वो भीषण लड़ाई होती है, और काफ़ी लोगों की जो है वो वहाँ पे मृत्यु होती है। दोनों तरफ से लोग जो है वो मारे जाते हैं। असल में होता कहानी क्या है कि झारखंड में जो सैन्य विद्रोह है, इसकी शुरुआत देवघर से जो है वो होती है, देवघर के रोहिणी ग्राम से, और यहाँ से जो है वो ये सिपाही जो है वो विद्रोह करते हैं। यह विद्रोह फिर धीरे धीरे जो है वो हजारीबाग की ओर फैलता है, और हजारीबाग में जो है एक व्यापक विद्रोह होता है, काफ़ी जनसमर्थन प्राप्त होता है। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर इसी बीच जो है वो रांची में भी जो है वो म्यूटिनी जो है वो फैल जाती है, और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे सैनिक जो है वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसी बीच रांची में जो है वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को सभी लोग जाते हैं और कहते हैं कि ठाकुर साहब आप जो है वो हम लोगों को लीड करिए, और ठाकुर साहब उसके बाद जो है वो तय करते हैं कि झारखंड के सैनिकों को यहाँ पे विद्रोह करने के बाद सारा सपोर्ट जो है वो बाबू कुंवर सिंह को आरा में जाकर के जो है वो सपोर्ट देना है, और इसी क्रम में ये चतरा शेरघाटी के माध्यम से आरा जो है वो पहुँचना चाहते थे। ये कंडीशन कब आती है? जब रांची में डोरंडा का महाविस्फोट जो है वो हो चुका है। इनके ही सैनिक रहते हैं पांडे गणपत राय, ये जो है वो इनके सेनापति भी रहते हैं। इसके साथ साथ नादिर अली, शेख भिखारी जैसे सरीखे लोग भी जो है वो होते हैं, और इन सब ने मिल करके जो है वो डोरंडा में जो है वो विद्रोह जो है वो शुरू कर देते हैं, और वहाँ से जब ये जीत जाते हैं, अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं वहाँ से, तब जो है ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठाकुर साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अंग्रेज जो है वो उधर से कैप्टन नेशन को जो है वो भेजते हैं कि जाएं और आप इन विद्रोहियों को जो है वो शांत करें। तो कैप्टन नेशन बिहार की ओर से और ठाकुर विश्वनाथ शाही झारखंड की ओर से जाते हैं, और दोनों का टकराव कहाँ होता है? चतरा में, जिसको हम लोग चतरा की लड़ाई के नाम से जो है वो जानते हैं। कब होती है? 2 अक्टूबर 1857 को। इतनी भीषण लड़ाई होती है कि कई अंग्रेज पदाधिकारी भी मारे जाते हैं, कई जो झारखंड के वीर सपूत हैं वो भी मारे जाते हैं, लेकिन ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय जो हैं वो बचकर भागने में सफल होते हैं, और वहाँ से भाग कर ये लोहरदगा के जंगलों में छिपते हैं, और वहाँ से फिर गुरिल्ला वार या छापामारी युद्ध को जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं।
पर इसमें एक दुखद घटना क्या होती है कि जो भी चतरा की लड़ाई में लोग अरेस्ट हुए, चतरा की लड़ाई के दौरान जो भी लोग अरेस्ट हुए उनको जो है वो चतरा में ही एक तालाब के किनारे जो है वो आम के वृक्ष से लटका करके जो है वो फांसी दे दी जाती है, और उस तालाब को जो है वो फांसी हारी तालाब के नाम से जो है वो जाना जाता है, फांसी हारी तालाब या फांसी हारी पोखड़ के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो एक बार किन्हीं मित्र से जो है वो चतरा से बिलोंग करते थे, तो जेपीएससी के इंटरव्यू सेशन में जो है वो पूछा गया था कि फांसीहारी तालाब के बारे में जो है वो बताइए। तो ये जो है वो फांसीहारी तालाब कहाँ स्थित है, चतरा में, क्यों प्रसिद्ध है कि इस चतरा की लड़ाई 1857 के दौरान जो भी लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको इसी तालाब के किनारे जो है वो फांसी दे दी गई थी आम के पेड़ से जो है वो लटका कर। खैर, वापस आते हैं हम लोग ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई चतरा की लड़ाई जो है वो कब लड़ी, 2 अक्टूबर 1857 को लड़ी। इसके बाद वहां से वो बचकर भागते हैं और लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामारी युद्ध जो है वो चलाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर किसी देशद्रोही के कारण, मुखबिरी के कारण इनको जो है वो पकड़ लिया जाता है 3 मार्च 1858 में। लोहरदगा से जो इनको अरेस्ट किया जाता है, इनके साथ साथ इनके सेनापति पांडे गणपत राय को भी जो है वो अरेस्ट किया जाता है, और रांची लाकर इनको जो है वो रांची का जो जिला स्कूल है वहां पर जो है वो एक कदम के पेड़ से जो है वो लटका दिया जाता है, और एक बहुत संक्षिप्त मुकदमा चलाकर इनको 16 अप्रैल 1858 को जो है वो फांसी दे दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, 3 मार्च को अरेस्ट हुए और 16 अप्रैल को फांसी लगा दी, कितना संक्षिप्त मुकदमा चला होगा, और इस मुकदमे की हियरिंग कौन करता है, तो डाल्टन, ये डाल्टन जो है वो मुकदमे की हियरिंग करता है, और इसी के आदेश पर डाल्टन ही आदेश देता है कि इन लोगों को जो है वो फांसी लटका दो। इसी डाल्टन के आदेश पर, कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर जो है वो ठाकुर साहब को जो है वो फांसी पर लटका दिया जाता है। अच्छा, ये जो पूरे सेना को ये लीड कर रहे थे, तो इन्होंने जब इनके पास लोग गए कि आप हमारा नेतृत्व करिए, तब इन्होंने जो है वो एक सेना का गठन किया है जिसका नाम है मुक्ति वाहिनी सेना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन झारखंड क्षेत्र में 1857 के युद्ध के दौरान किसने किया, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया, और मुक्ति वाहिनी सेना को लीड करते रहे, और इनके ही सेनापति जो है वो इस मुक्ति वाहिनी सेना के जो है सेनापति पांडे गणपत राय थे, जो कि मुक्ति वाहिनी सेना के कमांडर जो है वो बनाए गए। 1857 की लड़ाई के बाद बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई, जेल कर दिया गया, तो जो भी राजा रजवाड़ा थे जिनको फांसी दे दी गई उनकी संपत्तियों को जो है वो जब्त कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा जो है उनकी संपत्ति को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया गया, और बड़कागढ़ स्टेट को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया गया। किस नियम के तहत, तो रूल 15 ऑफ 1857, 1857 के रूल नंबर 15 के अनुसार जो भी विद्रोही राजा थे, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनकी संपत्तियों को जो है वो जब्त कर लिया गया। उसी हिसाब से बड़कागढ़ स्टेट को भी जो है वो अंग्रेजों ने जब्त करके सरकारी संपत्ति के रूप में जो है वो घोषित कर दिया। उसी तरह पांडे गणपत राय का भी जो है वो संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई, और भी लोगों की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई थी। तो इस तरह से जो है वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, झारखंड के एक महान सुपूत ने, 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और बहुत ही मजबूती से जो है वो अपना लड़ाई को जो है वो अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने के लिए, अपनी राज्य की स्वतंत्रता को जो है वो कायम रखने के लिए लड़ाई जो है वो लड़ते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन में हम लोग जो है वो इनके बारे में जो है वो देख लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, कई परीक्षाओं में लगातार इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसमें हम लोग जो है वो एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं। इनका जन्म 12 अगस्त 1857 को सतरंजी में बड़कागढ़ रांची में हुआ था। ये बड़कागढ़ के राजा थे। इनकी पत्नी बानेश्वरी कुंवर, पिता रघुनाथ सहदेव, माता चन्नेश्वरी कुंवर, और ये 1857 का जो झारखंड क्षेत्र में सैन्य विद्रोह हुआ था उसका जो है वो नेतृत्व करते हैं। कैसे नेतृत्व करते हैं, तो मुक्ति वाहिनी सेना के दौरान। अच्छा, झारखंड में ये जो 1857 का युद्ध है यह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था बल्कि जन विद्रोह था। मैं ये बात को कह रहा हूं कि यह जन विद्रोह था। इसका क्या अर्थ है, जन मतलब पीपल यानी लोग, यानी कि इसमें सिर्फ झारखंड में 1857 के दौरान केवल सिपाही जो है वो नहीं लड़ते, बल्कि यहाँ के सभी लोग जो पीड़ित है अंग्रेजों की व्यवस्थाओं से, सभी लोग जो इस बाहरी आक्रमण से जो है वो दुखी हैं,
उन सभी लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपने राजा का जो है वो साथ दिया, ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो है वो साथ दिया। वो कोई स्किल्ड सैनिक नहीं थे, वो कोई ट्रेंड फाइटर्स नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई और इनकी जो राष्ट्र भावना है ये इतनी मजबूत थी कि ये जो है वो लड़ाई करने चले गए। तो झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह केवल और केवल सैन्य विद्रोह न होकर एक जन विद्रोह था। इसी तरह की एक कहानी पोरहट में भी राजा अर्जुन सिंह के साथ जो है वो चलती है, वहां पे भी ये सारे लोगों को एकत्रित करने में जो है वो सफल होते हैं। इसी तरह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी अपने सैनिकों के साथ साथ अपनी प्रजा को भी जो है वो ट्रेन करते हैं और लड़ाई में जो है वो कूद पड़ते हैं। तो ये जो है वो झारखंड में 1857 का लड़ाई जो है वो एक जन विद्रोह है। और आप देखेंगे कि ठीक 1857 के पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह भी जो है वो यहाँ पर हुआ था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह हम लोग जानते हैं कि केवल संथाल परगना के इलाकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका जो असर है वो हमें हजारीबाग के इलाकों में भी जो है वो देखने को मिला था। यानी कि हजारीबाग में जो है वो माहौल बहुत गर्म था, लोग संथाल विद्रोह के दमन के बाद जो है वो गुस्से में थे और तब तक जो है वो सैन्य विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। तो ये पीड़ित लोग प्लस जो सैन्य विद्रोह हुआ ये सारे मिल गए और एक व्यापक विद्रोह जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इसी बीच चुट्टूपाली घाटी में भी जो है वो विद्रोह देखा गया, अंग्रेजों ने भी जो है वो डट करके जो है वो सामना किया और बहुत हैवी हैंडेडली सबको डील किया। सिख सैनिकों की मदद ली, घुड़सवारों की मदद ली, हर वो कुछ जो कर सकते थे उन्होंने किया। और इन सब में जो है वो यहाँ के लोग अगर हारे हैं तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुखबिरी के कारण, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी के कारण, और सिर्फ कुछ परगनैत ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं देने का काम किया, इनाम के लालच में, थोड़े से पैसे के लालच में अपने लोगों के जो है वो जान से खिलवाड़ जो है वो कर गए और स्थितियां जो है वो इतनी खराब हो गई। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इन्होंने चतरा की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1857 में। तो एक और बात, इधर से ये मुक्ति वाहिनी सेना लेकर ठाकुर साहब जो है वो 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेजी फौज का जो कमान है वो मेजर इंग्लिश के पास था, मेजर इंग्लिश। और भी कई अंग्रेज पदाधिकारी थे पर मेजर इंग्लिश जो है वो मेन कमांडर था अंग्रेजों का। तो इसको हम लोग अगर देखें इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश लोगों के तरफ से मेजर इंग्लिश, इनका नाम इंग्लिश था, और इधर से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, और इनकी सेना मुक्ति वाहिनी सेना। तो ये अंग्रेजों और ठाकुर साहब के बीच जो लड़ाई हुई थी, चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को, और ये जो है वो फांसी लटका दिया जाता है इनको अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो है वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और इनसे संबंधित चीजें हम लोगों ने देखी, खास करके परीक्षा उपयोगी तथ्य को हमने देखा। जब हम लोग विस्तार से झारखंड के इतिहास को पढ़ेंगे और झारखंड में जब 1857 की लड़ाई को पढ़ेंगे तब उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो लोग सैन्य विद्रोह में शामिल होते हैं, लेकिन अंततः सबका मकसद यही होता है कि अंग्रेजों को जो है वो इस धरती से जो है वो भगाना है। और इसके बाद जो ये सेना गठित किए थे इन्होंने, इस सेना को कहाँ जाना है? तो बाबू कुंवर सिंह का मदद करने के लिए जो है वो जाना है, आरा जाना है। और इसी क्रम में जो है वो जो भी रास्ते में चीजें पड़ती हैं वहां पर जो ये लड़ाई होती रहती हैं। इसके अलावा बाबू कुंवर सिंह के भाई बाबू अमर सिंह भी जो है वो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों से जो है वो काफी घनिष्ठ रिलेशन में जो है वो रहते हैं, काफी क्लोज कॉन्टैक्ट में जो है वो रहते हैं और काफी प्लान स्ट्रेटेजी से जो चीजें चल रही होती हैं। लेकिन परगनैत, धोखेबाज, मुखबिर जो भी कह लें, इनाम और लालच में जो है वो इन लोगों के साथ जो है वो धोखाधड़ी कर देता है, अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देता है और वीरगति को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे महान शख्सियतों से जो है वो हमारा झारखंड जो है वो भरा पड़ा है, एक से एक वीर हमारे यहाँ हुए, इन सभी को जो है वो प्रणाम है, नमन है। और साथ साथ में हम लोग जो है वो अपने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी जो है वो ध्यान में रखते चलेंगे। तो आप लोगों को ये हमारा पर्सनालिटी सीरीज कैसा लग रहा है और इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं इनको आप कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप हमें
कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।